एजाइल मेथडोलॉजी। वेल, जब तक मैं एक ऐसी कंपनी में काम नहीं करता था जहां पर एजाइल मेथडोलॉजी को फॉलो किया जाता था, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई कोर्स होता है जिसके लिए प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद इसको प्रॉपरली आप किसी भी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन टू माई सरप्राइज, जब मैं एक ऐसी कंपनी में गया जहां पर प्रॉपरली एजाइल मेथडोलॉजी को फॉलो किया जाता है, उस टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कोई कोर्स नहीं होता जिसके लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत होती है, बल्कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर आप ऐसा मान लो कि एक प्रैक्टिस होती है कि आप किस तरह से कोई भी काम डेली बेसिस पे किसी कंपनी में करते हो। अब मान लो कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो सुबह जब आप जाते हो तो किस तरह से आपको टिकट्स असाइन की जाएंगी, या आप रेगुलरली अपडेट्स किस तरह से देते हो, या फिर रेगुलरली फीडबैक किस तरह से लेते हो, ये सारी की सारी चीजें इसके अंडर आ जाती हैं, जिसका कोर्स से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई इंटरव्यूअर भी आपसे पूछता है कि आपको एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में पता है, तो वो बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज की एक्सपेक्टेशंस आपसे रखता है कि आपने इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में तो डेफिनेटली सुना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली एजाइल मेथोडोलॉजी के साथ साथ क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं उन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं कि एजाइल मेथोडोलॉजी आखिर क्या होती है। तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस, और यू कैन से इट्स अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह से करते हो। अब मान लो कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो जो कि प्रॉपरली कस्टमर सेंट्रिक हो, जिसमें आप उनको रेगुलर अपडेट्स दे रहे हो और उनसे प्रॉपरली फीडबैक भी रिसीव कर रहे हो और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग आप बहुत ज्यादा चेंजेस भी ला रहे हो, तो उस प्रॉपरली प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो तो उस चीज को एजाइल मेथोडोलॉजी का नाम दिया जाता है, जिसमें रिक्वायरमेंट कोई भी फिक्स नहीं रहती, कभी भी किसी भी टाइम पर रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया जा सकता है। तो बस यही होता है एजाइल मेथोडोलॉजी। लेकिन अगर आप इतना सा ही आंसर उनको बताओगे तो ये सफिशिएंट नहीं रहता, उसके बाद आपको इनकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आप यूज करते हो एजाइल मेथोडोलॉजी में, जिसमें सबसे पहली चीज आती है स्प्रिंट। स्प्रिंट इज जस्ट अ साइकिल और यू कैन से अ टाइम इंटरवल, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको कितना काम करने की जरूरत होती है या फिर कितना काम आपको डिलीवर करने की जरूरत होती है, वो सब टाइम इंटरवल को एक स्प्रिंट का नाम दिया जाता है। जनरली मोस्टली कंपनी में 2 वीक की स्प्रिंट होती है, यानी कि 2 वीक्स इज इक्वल टू 1 स्प्रिंट। लेकिन हाँ, एज पर द कंपनी और एज पर द प्रोजेक्ट ये चीज वेरी कर जाती है, कई जगहों पर 3-3 वीक की भी हो जाती है, लेकिन जनरली मोस्टली कंपनीज में 2 वीक इज इक्वल टू 1 स्प्रिंट काउंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। तो बेसिकली जिस तरह से मैंने आपको स्प्रिंट के बारे में बताया कि 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की एक स्प्रिंट होती है, उस स्प्रिंट में क्या क्या काम करने की जरूरत होती है, उस चीज के लिए एक प्रॉपर मीटिंग रखी जाती है जिसको स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कहा जाता है, जिसमें आप सब चीजें डिफाइन करते हो कि आप क्या क्या चीजें इस स्प्रिंट में करोगे या फिर क्या क्या चीजें आप डिलीवर करोगे, वो सब चीजें डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज PI प्लानिंग, विच मीन्स प्रोग्राम इंक्रीमेंट प्लानिंग। इसको अगर मैं स्प्रिंट से कंपेयर करूं तो स्प्रिंट के ही एक बड़े वर्जन को, यानी कि एक लार्ज वर्जन को एक PI का नाम दिया जा सकता है। स्प्रिंट जो होती थी वो 2 वीक की होती थी, वहीं पे PI को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप क्वार्टर से कंपेयर कर सकते हो, यानी कि साल के एक क्वार्टर को आप एक PI में काउंट करोगे, दूसरे क्वार्टर को आप दूसरे PI से काउंट करोगे। तो इस तरह से आप PI प्लान कर सकते हो, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको क्या क्या चीजें डिलीवर करने की जरूरत होती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सारा का सारा जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उनके सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से आप PI प्लानिंग कर सकते हो। अब मान लो कि एक साल है, तो एक साल में जनरली 4 PI होती है जिनके अंडर 6-6 स्प्रिंट्स आ जाती हैं। लेकिन हाँ, एज पर द कंपनी ये सब चीजें वेरी कर सकती हैं। PI प्लानिंग और स्प्रिंट प्लानिंग में जो सबसे मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि PI प्लानिंग अक्रॉस द टीम्स होती है, वहीं पे स्प्रिंट प्लानिंग अक्रॉस द टीममेट्स होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डेली स्टैंड अप मीटिंग्स। तो इस मीटिंग में आपको बेसिकली ये चीज बताने की जरूरत होती है कि आपने कल किस चीज पर काम किया और आप आज किस चीज पर काम करने वाले हो। जो भी आपके काम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं आपको इस मीटिंग में बताने की जरूरत होती है। इस मीटिंग को लीड करने के लिए एक स्क्रम मास्टर अलग से बनाया जाता है, और उसके अलावा जितने भी डेवलपर्स होते हैं या फिर जितना भी प्रोडक्ट ओनर होते हैं या फिर आपके लीड होते हैं, वो सबके सब शामिल होते हैं आपकी ये अपडेट्स लेने के लिए। ये मीटिंग मोस्टली मॉर्निंग में ही की जाती है कि जो भी अपडेट होती है वो सबको मिल जाए, और उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप इस मीटिंग में डिस्कस कर सको। लेकिन उसके अलावा कई कई कंपनीज में ये शाम को भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। तो ये लास्ट में की जाती है, जब भी आपकी स्प्रिंट खत्म हो जाती है तो उसके बाद एक मीटिंग की जाती है जिसमें आपको ये चीज बताने की जरूरत होती है कि इस स्प्रिंट में आपने क्या क्या चीजें अच्छी की या क्या क्या चीजें बुरी की। जो भी आपके पॉइंट होते हैं आपको इस मीटिंग में बताने की जरूरत होती है, ताकि इन फ्यूचर आप उन सब चीजों को इम्प्रूव कर सको। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरी पॉइंट। तो स्टोरी पॉइंट्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो किसी भी काम को कितना टाइम लगने की जरूरत होती है उसको डिफाइन कर सके। यानी कि मान लो कि अगर आपके पास कोई अभी एक टास्क पड़ा है, उसको 1 स्टोरी पॉइंट की जरूरत है, 2 स्टोरी पॉइंट की जरूरत है, तो उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। अब एक स्टोरी पॉइंट एक दिन के
अकॉर्डिंग भी हो सकती है और आर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो। बहुत ज्यादा जगहों पर एक स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू वन डे काउंट किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जगहों पर टू स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू वन डे भी काउंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एपिक। एपिक को अगर मैं एक स्टोरी से कंपेयर करूं तो एपिक एक लार्ज सेगमेंट आ जाता है स्टोरीज का, जिनको हम एक पर्टिकुलर स्प्रिंट में कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा टास्क है जो कि बहुत ही बड़ा है, जिनको हम एक पर्टिकुलर स्प्रिंट में क्लोज नहीं कर सकते, तो इसीलिए उस काम को हम डिवाइड कर लेते हैं एक पर्टिकुलर स्टोरीज में, ताकि हम उन पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्रम मास्टर। किसी भी पर्टिकुलर स्प्रिंट या फिर स्प्रिंट प्लानिंग में जो भी लीड कर रहा हो उस चीज को, उसको स्क्रम मास्टर का नाम दिया जाता है। उसकी ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रॉपर हर एक बंदे की स्टोरीज पर मॉनिटर करे, उनसे प्रॉपरली अपडेट ले, और किसी को भी अगर किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो उस अकॉर्डिंग उनकी हेल्प भी करे। नेक्स्ट पॉइंट इज जीरो स्प्रिंट। ये एक ऐसी टर्म होती है जिसको आप फर्स्ट स्प्रिंट से पहले यूज कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट स्प्रिंट से पहले जितना भी टाइम होता है आपके पास कोई भी प्री प्लानिंग करने के लिए, उस पर्टिकुलर इंटरवल को जीरो स्प्रिंट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पाइक। स्पाइक एक ऐसी टर्म होती है जिसको तब यूज किया जाता है जब आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं होती कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए आप प्रॉपरली उनको डेडलाइन नहीं दे पाते कि, या फिर उसको एस्टिमेट ही नहीं कर पाते कि ये चीज प्रॉपरली कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, तो उन सब के लिए आप अलग से स्टोरीज क्रिएट करते हो जिनको आप स्पाइक का नाम दे देते हो, जिनको आप ऐसे कह सकते हो कि प्रॉपरली R&D के पर्पज के लिए वो चीज यूज कर सकते हो। यानी कि आपको उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद भी कुछ डिसाइड नहीं होता कि आप उसके इन दी एंड रिजल्ट पहुंचोगे भी या नहीं, तो उन सब के लिए जब आपको प्रॉपरली कोई क्लैरिटी नहीं होती किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, उनके लिए अलग से टिकट्स क्रिएट की जाती हैं जिनको स्पाइक का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का बेसिक पर्पस ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टीम ने किसी पर्टिकुलर स्प्रिंट में कितना काम करके दिया है, तो उसी चीज को मेजर करने के लिए वेलोसिटी का यूज किया जाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि एजाइल मेथोडोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, और जब भी आपसे कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में पता जरूर हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन सब चीजों का रिप्लाई कर सकूं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।